subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। एनडीए 243 सीटों में से 125 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं महागठबंधन की बात करें तो 110 सीटों पर जाकर सिमट गई है और एनडीए अलायंस का पूरे स्पष्ट तरीके से बिहार में सरकार बनता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपना नेता भी मानने को तैयार है और सीएम की कुर्सी पर बैठाने को तैयार है। लेकिन इस चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा जो चर्चा एक सुर्खियों में चल रहा है वो चल रहा है सुशील कुमार मोदी को लेकर। जी हाँ, सुशील कुमार मोदी को ऐसी खबरें आई हैं कि उप मुख्यमंत्री इस बार उनको नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उनके जगह पर राम मंदिर पर पहला ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल को बनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कामेश्वर चौपाल एक्चुअली हैं कौन। कामेश्वर चौपाल बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले हैं, जो मिथिला इलाके में पड़ता है। हिंदू धर्म में मिथिला इलाके को सीता का घर भी कहा जाता है। ओपन मैगजीन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कामेश्वर चौपाल ने बताया था कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो राम को अपना रिश्तेदार मानते थे। उनके मुताबिक मिथिला इलाके में शादी के दौरान वरवधु को राम सीता के प्रतीकात्मक रूप में देखने की प्रथा थी। कामेश्वर का गांव कोसी नदी के किनारे पड़ता है। कामेश्वर में अपनी पढ़ाई लिखाई मधुबनी जिले में की है। यहीं पर कामेश्वर संघ के संपर्क में आए। उनके एक अध्यापक संघ के कार्यकर्ता हुआ करते थे। यहीं से कामेश्वर ने हाई स्कूल तक की शिक्षा हासिल की। संघ से जुड़े उस अध्यापक का ही मदद से कामेश्वर को कॉलेज में दाखिला मिला। कामेश्वर चौपाल जो थे वो उस लेख में बताया था कि संघ लोगों के बीच बेहद शांतिपूर्ण ढंग से नेटवर्क बनाकर अपना काम करता है। उस अध्यापक ने कामेश्वर को एक लेटर दिया था जिसे ले जाकर उन्होंने कॉलेज के एक टीचर को दे दिया और फिर कामेश्वर का एडमिशन कॉलेज में आसानी से हो गया। ग्रेजुएशन पूरा करने के दौरान ही कामेश्वर संघ के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने मधुबनी जिले का जिला प्रचारक बना दिया गया। इसी समय कामेश्वर ने तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम की उस घटना के बारे में सुना जब 800 दलितों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। कामेश्वर ने बताया था कि यही वो घटना है जिसके उनके भीतर राम मंदिर को लेकर इच्छा बदलवती हो गई थी। इस सामूहिक धर्म परिवर्तन को देखते हुए संघ ने संस्कृति रक्षा निधि योजना बनाई। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन किया। इस धर्म संसद में बड़ी संख्या में संत और कार्यकर्ता जुटे। इस धर्म संकट में अशोक सिंघल ने एक भाषण दिया जिसमें हिंदू धर्म के खतरे में होने की बात कही गई। इस कार्यक्रम में कश्मीर के आखिरी महाराज हरि सिंह के पुत्र करण सिंह ने भी भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि यह हिंदुओं के लिए शर्म की बात है कि राम की जन्मभूमि पर एक दीपक नहीं जला सकते हैं। इसी बैठक में अयोध्या, काशी और मथुरा में धार्मिक भूमियों पर हिंदुओं के हक की बात की गई। ये भी तय किया गया कि राम मंदिर की यात्रा भी निकाली जाएगी। इसी के तहत पहली यात्रा सीतामढ़ी में निकाली गई, जिसे सीता का जन्म स्थान भी माना जाता है। इस यात्रा में जुटी भीड़ देखकर कामेश्वर चौपाल भौचक थे। उन्होंने इतने जबरदस्त समर्थन की उम्मीद नहीं थी। जब इस तरह की यात्राएं तेज हुई तो 1986 में राजीव गांधी सरकार ने अयोध्या में विवादित ढांचे के ताले खुलवा दिए। अगले दो साल में संघ इसके पूरे स्तर पर तैयारी की। नवंबर 1989 में शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। कामेश्वर चौपाल भी जब अयोध्या में ही थे, वे एक टेंट में रह रहे थे। उनके कमरे में अशोक सिंघल ने एक बेहद नज़दीकी व्यक्ति आए और उन्होंने बताया कि आपको शिलान्यास के लिए चुना गया है, यानी भगवान राम के मंदिर की पहली ईंट आप रखेंगे। जब कामेश्वर शिलान्यास की जगह पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि सभी बड़े नेता मौजूद थे। दरअसल कामेश्वर के जरिए संघ के नेता 1981 में हुए दलितों के सामूहिक धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़ा संदेश देना चाहते थे। पार्टी के आदेश पर कामेश्वर ने 1991 में रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। साल 2002 में वो बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। 2014 में भी वो पार्टी के टिकट पर संसदीय चुनाव में रजिता रंजन के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े थे, लेकिन उन्होंने वैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।